माशाल्लाह यार कितना जबरदस्त बच्चा है, इसने इसने दिया जी, इसने दिया असम बकरी ने फाइनली बच्चा दे दिया भाई। आओ जल्दी से चलते हैं, फाइनली भाई बच्चा आ गया। ये दिया बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग होने जा रहा है बकरी के ऊपर। फाइनली जो है बकरी ने जो है बच्चा दे दिया। अभी मैं जल्दी से आपको जाके जो है ना उधर दिखाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस टाइप का बच्चा आया है। मैं ढूंढ रहा हूँ असम को, असम मिल गया। असम को मैं गुड न्यूज सुनाता हूँ, असम बकरी ने फाइनली बच्चा दे दिया भाई। आओ जल्दी से चलते हैं, फाइनली भाई बच्चा आ गया बकरी का, जल्दी चलो मजा आएगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो बाइक पे गया हुआ था। कब दिया? अभी दिया है। पर चलते गेट बंद कर देता, कोई इधर ना घुस जाए इधर। मेरे सामने जो है बकरी ने ये दिया है बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आप कुदरत चेक करो, फुल ब्लैक बकरी और फुल वाइट गुलाबी बकरी जो है ना इसने बच्चा दिया, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है यार। अभी इसको तकरीबन जो है आधा घंटा हुआ है अभी आए हुए इस दुनिया में, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्चा है यार, इतना खूबसूरत। अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको जो है हाथ लगा रहा हूँ। इसके चक्कर में अभी खाना भी नहीं खा रही, उधर सारे जो है इनका खाना लगा हुआ है, अभी ये उसके चक्कर में जो है ना खाना भी नहीं खा रही। जब से भूखी है देखो, उसको छोड़ छोड़ के आके फिर बार बार उसको देखे जा रही है। इसने अभी जो है एक ही बच्चा दिया, आप देखते हैं दूसरा देती है या नहीं देती। अरे भाई उस्मान भाई गुलाब जामुन भी बांट रहे सबको बकरी की खुशी में, मुझे भी खिलाओ भाई एक। खुद ठूस रहे मुझे भी खिला दो भाई। भाई जा ही नहीं रही है खाना खाने, इसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है बेचारी जो है, और बार बार चिल्लाए जा रही है। अबे लग रहा है असन भाई आ गए हैं, पूरे असन भाई आ गए। असन भाई बच्चा दिया है बकरी ने, इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह यार कितना जबरदस्त बच्चा है, इसने इसने दिया जी, इसने दिया यार माशाल्लाह से, कितना प्यारा बच्चा है यार। अभी अभी दिया, आधा एक घंटा हुआ है बस। अच्छा कैसा है? माशाल्लाह बहुत प्यारा है यार। कान में थोड़ा सा मसला आएगा ना यार, तो इसलिए इसको तो इंजेक्शन लगा दिया। बाकी हमारा जो है नया मेहमान आ गया है, माँ देखो यार किस तरह उससे जो है प्यार कर रही है। तो ये जो है ना जानवर, अब ये भी वैसे तो फिलहाल ये साफ कर रही है अपने बच्चे को, मैं सोच रहा हूँ इससे जो है ना अमीन के दांत साफ करवा दूँ। दांत दिखा भाई, ये इसके दांत भी साफ करवा दूँ। इसको भी जो है कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। सच्चा चा अभी पता करते हैं ये है किस चीज़ का इंजेक्शन। ये किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने, पेट का इन्फेक्शन या कोई ऐसा इन्फेक्शन से बचने के लिए। बच्चा देने के बाद फिर ये लगता है इंजेक्शन, ताकि इन्फेक्शन ना हो कोई पेट वेट का। अभी ये बच्चे को कुछ देना है क्या, खाना वाना जाएगा इसको? सिर्फ ये दूध पिएगा, एकदम इतना नहीं पिएगा, गैप गैप से पिलाना है इसको, थोड़ा थोड़ा पिलाना है, वरना बच्चे मोशन करने लगते हैं। अच्छा, और जब बच्चे मोशन करने लगते हैं तो फिर इनका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इसमें हम खुद कुछ नहीं करेंगे, माँ ही पिलाएगी उसकी दूध? माँ पिलाएगी दूध, वो खुद दूध की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, छोटा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाइड करना पड़ेगा। दो चार दिन की बात है फिर खुद ही दूध पे लपकेगा, माँ को छोड़ेगा नहीं, माँ का जीना बवाल कर देगा ये। ठीक है ठीक। भाई ट्रीटमेंट जो है ना इसको हम लोगों ने दे दिया हर तरह से, तो इंजेक्शन वगैरह इसके जो है इन्फेक्शन की इतनी भी इंजेक्शन थे ना वो सारे लग गए इसके। सच्चा चने सारे इंजेक्शन इसके इसकी माँ के लगा दिए। अब वो कह रहे हैं कि गिजा जो है हम लोग बस सेटिंग से देंगे, लेकिन जो है दिएगी अपनी माँ का दूध ही। वो इजाफा भाई गलत टेप उठा के लिया, तो भाई इजाफा भाई दोबारा मेडिकल जा रहे हैं टेप लेने, वो कि बच्चे कान वान में इनके कुछ बोलने हो गया तो बच्चे कान पे बांध देंगे। अब देखें इजाफा भाई अभी जाके लेके आते हैं फिर इसके लगाएंगे। तुम्बे का जरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है इसके कान का, अब इसके कान का ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। इसका ना कान पक गया था भाई, एक तो काबू में ही नहीं आ रहा। इजाफा भाई रस्से चाचा देखो भाई दोनों लग गए भाई, इसको गिरा रहे हैं। भाई गिरा दिया भाई, हल्का से भी नहीं, उछले हैं, डरना नहीं। भाई इसकी शायद जलन वगैरह हो रही है ना।
इसके अंदर के जर्म्स और सारी चीज़ें वॉश हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मेडिसिन लगा देंगे। जो है इसका भी ट्रीटमेंट जो है हमारा हो चुका है कंप्लीट माशाल्लाह से। इसका जख्म जो है अब काफ़ी ठीक हो रहा है, अब इसको खाने पे लगा दिया वापस से। अच्छा अभी बकरी के लिए जो है ना हमने कावा बनवाया है। अच्छा चाचा कावा किस चीज़ के लिए? अजवाइन और गुड़, पेट की सफाई के लिए। अच्छा मतलब इससे अंदर की सारी जो गंद गलादत है वो सारी साफ हो जाएगी। अभी ठंडा करके इसको पिलाएंगे बस। निकलेगा वो जाए यार, मैं बहुत थक गया भाई, कब से मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या हम काम करें भाई, तुम्हारी बकरी है यार। आई मीन हमारी बकरी है तो मतलब क्या, हम सारे काम हम ही करें। जाओ जल्दी से बर्तन लेकर आओ। तो वही इसको ठंडा करके अब पिला रहे हैं बकरी को, माशाल्लाह से खुद ही पी रही खुद ही। कावा भी जो है इसको पिला रहे हैं ताकि इसका सारा पेट जो है ना अंदर का साफ हो जाए। पहले से अभी सारा कावा जो है इसको पिला दिया अभी, और ये पता नहीं क्यों चीखे जा रही है। तो भाई अभी इसकी खीस जो है निकाल रहे हैं बकरी की सारी बोतल के अंदर। बकरी को जो है छत पे लेके जा रहे हैं, ऊपर रख देंगे आराम से सुकून से जाके जो है ना, उसको परेशानी भी नहीं हो ऊपर कोई, आराम से अगर कोई मसला वगैरह भी होगा छूटेगी तो देख लिया करेंगे ऊपर आराम से। ये जगह है हमारी छत के ऊपर, वॉशरूम था ये, इसको हमने खाली कर दिया, यूज वगैरह ही होता नहीं है। इधर रख देंगे सुकून से जो है ना इसको, बकरी भी बस लेकर ही आ रहा है, हंसा हूँ आई ये बेचारी उससे। इधर आओ मुन्नी, मेरा इसका बच्चा इधर सुकून से बैठा हुआ है इधर तो, और हवा भी जो है ना इधर से आती रहेगी, गेट खुला हुआ है इधर, मसला भी नहीं ना बच्चे को हवा लगेगी ना उसकी माँ को, बस हल्की फुल्की वेंटिलेशन इधर से होती रहेगी। आ जाओ मट्टी भी इधर फैला दी है थोड़ी सी जो है ना, ताकि सुकून से इधर बैठ गया। बस आज का यही था व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।